अगर इन तीनों में से पांचों में से किसी की तबीयत खराब होती है तो हम यहाँ पे अपने बंदे बैठाएंगे जो दिव्यांग है अमन अनशन के लिए। लेकिन वहाँ पे भी जो हमारे तीन बंदे हैं वो अभी अमन अनशन पे ही हैं, ठीक है जी। और जब तक चलता रहेगा अमन अनशन जब तक अपने साथ है। अगर कुछ हो जाएगा सर, किसी को कुछ हो जाता है तो? अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश की है। अभी सर क्या सोच रहे हैं आप, क्या लगता है आपको, इतना ज़्यादा बुरा आप लोगों के साथ बिहेव हो रहा है, जब वोटों का टाइम आता है तब तो आप लोगों को उठा कर ले जाया जाता है। घूमी कहानी सरकार को सब पता है, जब हमने 2014 में सरकार बनी थी उन्होंने खुद बोला था कि आप लोगों की मांगे जायज है, जो कि आज तक ये धरातल पर एक भी चीज़ लागू नहीं कर सके। हमारा 2016 में भी 35 दिन धरना चला चंडीगढ़ में, और 2018 में यहाँ पे 76 दिन का हमारा धरना रहा था, और आज हमारे को पूरे कंप्लीट 100 दिन हो चुके हैं। लेकिन इस घूमी कहानी सरकार को ये नहीं दिख रहा कि विकलांग अपना अधिकार भी ले बैठे हैं, अपने अधिकार के लिए बैठे। कोई बड़ी चीज नहीं मांग रहे हो आप, हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम सरकार से भीख रहे हैं। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे पास किए हैं, उनको लागू करवाना है। तो क्या लगता है आपको इन लोगों की इस बात के हिसाब से, तो ये लगता है कि संविधान भी झूठा ही है? संविधान झूठा है, संविधान आप उठा के देख लो, संविधान के 11वें नंबर पेज पे ये लिखा हुआ है कि विकलांग व्यक्ति का MLA से लेके सांसद से लेके और सब पद तक संरक्षण मिलता है आप लोगों को? हाँ जी, कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ कागजों में। तो जरूर लाइव तस्वीरों के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, कुछ कहेंगे सर इस बारे में? मैं तो मैडम यही कहूँगा कि इनको इतना सत्ता का नशा हो गया है, अगर इस दौर में खुदा भी उतारा जाए वो भी बेचारा बेमौत मारा जाए, इनको भगवान का भी डर नहीं रहा, भगवान भी कहीं पर है। जब से सत्ता में आए हैं सभी लोग दुखी हैं सर इनसे, ऐसा क्यों? एक वर्ग ये बता दें, कोई भी वर्ग बता दें जो इनसे खुशी हो। हाँ, दो चार जो ऊपर बैठे हुए हैं जिनको ये जिनसे रैलियां का पैसा लेते हैं, जब ये खरीदो फरोख्त करते हैं, MP MLA खरीदते हैं, ये सब पैसा उद्योगपति इनको देते हैं, उनके एक मिनट में काम हो जाते हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है? इसलिए महंगाई बढ़ रही है क्योंकि जो इनको जो पैसा देते हैं ना, अगर इनको 1 करोड़ देंगे तो 50 करोड़ का काम भी लेंगे। इतना बुरा हाल है, जिन मुद्दों पे ये सरकार आई थी वो सारे मुद्दों पे फेल हो चुकी है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हरियाणा नंबर 1 जा रहा है इन चीज़ों में, और ये अपना AC रूमों में बैठे हैं, आकर बैठ के दिखाएं यहाँ गर्मी में। राजा तो वो होता है जो अपनी प्रजा के सुख दुख में शामिल हो, किसी के दुख में शामिल हो तो दुख कम हो जाता है, खुशी में शामिल हो तो खुशी बढ़ जाती है। तो ये तो खुश होते हैं, बल्कि ये मुद्दे कोई ना कोई छेड़ के रखते हैं जनता का ध्यान महंगाई से हटाने के लिए। कभी ये अग्निपथ योजना ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं, कभी कुछ। ये क्या मांग रहे हैं? जब सुबह हम उठते हैं ना, रात को सो के सुबह उठते हैं, तो एक एक चीज़ जो हम यूज़ करते हैं, हर चीज़ पे हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के आता है तो सारे उसको ढूंढने चले जाते हैं, उसके इलाज के लिए भी आगे आ जाते हैं। ये इंसान को गरीब को गरीब नहीं समझते, इनकी सोच मैं तो कहता हूँ रावण के भी कुछ असूल थे। ये कह रहे थे राम राज्य लेके आएंगे, अच्छे दिन लेके आएंगे, हमको अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमारे वो जो पुराने दिन थे ना, जहाँ महंगाई इतनी नहीं थी, भ्रष्टाचार इतना नहीं था, वो ही दिन लेके आजे, वो ही हमारे को ठीक है। आज जनता त्रास त्रास कर रही है महंगाई से, आप देख लो कितनी बेरोजगारी है, बच्चे नशों की तरफ जा रहे हैं, स्कूलों में ये बता दें इन्होंने कितने स्कूल बनवाए हैं नए, कितने उद्योग लगाए हैं, बताएं कोई अच्छा काम किया हो तो बताएं। ये तो सिर्फ जात पात के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं, इनको किसी इंसान की कोई कदर नहीं। सत्ता का नशा इतना इनको हो गया, ये तो इंसान को इंसान ही नहीं समझ रही। अब सर आप लोग यहीं पर बैठेंगे इनके साथ? हम इनके साथ बैठेंगे, कल भी आए थे। मैं फिर अपील करूंगा, खट्टर साहब थोड़ा जागो, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हो, और हर बंदे को यहाँ धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? उनकी मांगे सुनो, आके पूछो इनको। अब 3 इनके सीरियस हैं वहाँ पर हॉस्पिटल में, कौन जिम्मेवार होगा उनका? सुख दुख पूछो, आप राजा हो, इतना अहंकार मत करो। अगर जनता, ये जनता जनार्दन है, ये सियासत पे बैठाती भी है और उतार के भी फेंक देती है, ये ध्यान रखें जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरिंदर सिंह, आम आदमी पार्टी विधानसभा अध्यक्ष करनाल।
जी, थैंक यू सर।